सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। LG G8X थिन क्यू, यहां पर दोस्तों मैंने पूरा थिंक करने के बाद भैया ये फोन है वो दोस्तों खरीद लिया फ्लिपकार्ट से 19,990 रुपए में, और अपने पूरे जुगाड़ से इस फोन को दोस्तों जितना जल्दी हो सके उतना मैंने इसको सीधा इंडिया से दुबई मंगवा लिया इसी वीडियो के लिए। आई मीन 19,990 रुपए दोस्तों ये फोन जो है ये फ्लिपकार्ट पे पता नहीं कितने लोगों ने लिया है, और ऐसे में बहुत ही एक मतलब कमाल एक्सपीरियंस है ड्यूअल डिस्प्ले के साथ में इस प्राइस को देखते हुए, और ऐसे में दोस्तों स्पेक्स हैं वो भी बहुत ही कमाल किए हैं। फोन खैर दोबारा सेल पे जाने वाला है, तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करता हूँ इसी LG G8S ThinQ के बारे में। उससे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, बिकॉज आपको मिलेगी पूरी ज्ञान की बातें इसी फोन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आपको बता दूं सबसे पहले ही कि भैया LG ने ना बहुत बड़ा मतलब भयंकर काम किया है, जहां पर दोस्तों ये जो फोन है इससे 350 करोड़ रुपए की दोस्तों सेल्स जो है वो अचीव कर ली, और मतलब सिर्फ 12 घंटे में करीब करीब 1,75,000 इसकी यूनिट्स दोस्तों बेची हैं LG ने फ्लिपकार्ट पे। हम जब पहले देख रहे थे फ्लिपकार्ट पे यार कि जो फ़ोन है दोस्तों लिस्ट हो गया था सिर्फ 19,990 रुपए की प्राइस पे, तो हमको लग रहा था कि यार मतलब कितना पीस होगा भाई, कितना क्या वाकई में सेल है भी कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जब मैंने देखा कि भैया पता नहीं कितने लोगों ने ऑर्डर किया, हाँ उसमें से कुछ लोगों के ऑर्डर्स वगैरह कैंसिल भी हुए हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर दोस्तों ये जो डील है ना वो बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया, और इनफैक्ट अभी भी जो प्राइस लिस्ट दोस्तों की गई है फ्लिपकार्ट पे इसकी वो है 21,990 रुपये, और ऐसे में अभी भी बोलते हैं कमिंग सून, मतलब आपको ये फोन अभी भी वापस से ऑफर में मिल सकता है, तो मतलब आप इसको बिल्कुल मिस मत करना। हाँ कुछ बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, मतलब कि आपको वाकई में ये फोन लेना चाहिए या इसमें क्या क्या बातें ऐसी जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, भैया इस प्राइस में इससे बेटर डील अवेलेबल है ही नहीं। मतलब 6.4 इंचेस का हमारे पास में एक ओलेड डिस्प्ले है यहाँ पर दोस्तों, इसके अलावा जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 855। हाँ माना कि लेटेस्ट 865 है, 65 प्लस वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये भी परफेक्टली केपेबल है, और 20,000 की प्राइस में तो भैया बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आपको देगा। 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, पीछे की तरफ यहाँ पर दोस्तों जो कंप्लीट डिजाइन है वो एकदम फ्लश्ड है, मतलब कोई भी कैमरा का बम्प है ही नहीं, बिल्कुल एकदम ग्लास बैक प्रीमियम डिजाइन यहाँ पर मिलता है हमको। IP68 सर्टिफिकेशन है हमारे पास में, और जो कैमरा है वो है 13+12 मेगापिक्सल्स का पीछे, और सामने है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। 4000mAh की बैटरी है, उसके अलावा IP68 सर्टिफिकेशन है अगेन दोस्तों। यहाँ पे हेडफोन जैक अवेलेबल है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है, और मतलब जो कंप्लीट परफॉर्मेंस वगैरह वो भी इस फोन की बहुत अच्छी। और मजे की बात कि ये आता है इस एक्सेसरी के साथ में दोस्तों, जो कि एक ड्यूअल स्क्रीन एक्सेसरी है, जहां पे अगेन आपको मिलता है एक और ओलेड स्क्रीन, और आपको बस फोन को ऐसे इसके अंदर स्लाइड करना है, और एक बार आपने दोस्तों इसको अटैच कर लिया उसके बाद में ये जो सामने एक्सेसरी है आप इसको कुछ इस तरीके से ऐसे यूज कर पाएंगे, मतलब एक तरफ एक ऐप एक तरफ दूसरी ऐप, आप जो चाहे दोस्तों यूज कर सकते हैं, केस आपकी मर्जी है इसको, अगर यूज नहीं करना तो यूज मत कीजिए, या फिर दोस्तों अगर आपको ऐसे इसको पीछे फोल्ड करना है तो आप ऐसे यूज कर लीजिए, या फिर आप इसको अगर ऐसे बंद करते हैं तो मतलब ये कवर का काम करता है, जहां पे हमारे पास में छोटा सा कवर डिस्प्ले भी है। तो मतलब हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों यहाँ पे 20,000 रुपए के अंदर तो मेरे को लगता नहीं है कि इस फोन को कोई भी फोन टक्कर दे सकता है, मतलब यहाँ पे जो जो फोन ऑफर करता है चीजें वो डेफिनेटली मतलब एक अलग प्राइस ब्रैकेट की थी, और ऐसे में तो भैया अभी भयंकर जो है वो डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। लेकिन एक चीज दोस्तों ऐसे इसका वो खास ख्याल रखना पड़ेगा, बेसिकली दो बातें बोलूंगा, एक भी नहीं, एक हार्डवेयर वाला भी है उसमें इशू, और एक थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का भी है। दोस्तों हार्डवेयर का जो इशू है वो सिर्फ मेरे को जैसा लगता है इस फोन के साथ में वो है बैटरी को लेके। अब यहाँ पर दोस्तों 4000mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, मतलब सारे ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप अगर ड्यूअल स्क्रीन यूज करते हैं तो 4000mAh की बैटरी ना थोड़ी सी कम आपको शायद लग सकती है, कंसिडरिंग कि आजकल जो मार्केट में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं जिस तरीके का बैकअप मोबाइल फोन देते हैं वो बैकअप आपको दोस्तों शायद ये नहीं दे पाएगा। और एक और चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपको जो है वो चार्जर नहीं मिलेगा बॉक्स में, मेरा तो खैर मेरे पास बॉक्स ही नहीं आया, मतलब इंडिया से सिर्फ मैं फोन और ये स्क्रीन को जुगाड़ कर पाया हूं, लेकिन हाँ आपको दोस्तों बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो बैटरी एक जो है वो दोस्तों पॉइंट हो सकता है कि आपको हाँ मतलब एकदम वो फ्लैगशिप या मतलब एकदम जैसे आपको एक्सपीरियंस की अगर आदत है तो वो शायद ना मिले। और जो दूसरी चीज है ना वो मुझे दोस्तों लगा कि फोन तो अच्छा है, देखो भाई फ्लैगशिप फोन है और फीचर्स वगैरह काफी अच्छे हैं,
सॉफ्टवेयर अपडेट उसको एक इशू हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ना ये फोन लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 9 के साथ में। अभी यहाँ पे फिलहाल अगर इसमें एंड्रॉयड 10 चल रहा है अगस्त या सितंबर आई थिंक का, दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी पैच है, तो एकदम सब कुछ सही है। लेकिन क्या इसमें एंड्रॉयड 11 मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब LG इस फोन को लेकर दोस्तों कितना कमिटेड रहेगा, वो एक सवाल हो सकता है। कि बिकॉज भाई 9 पे आया था, 10 दे दिया है, अब 11 पता नहीं LG इस फोन के ऊपर इतना फोकस करके पुश करे या ना करे, तो वो एक चीज को दोस्तों दिमाग में रखो। अदरवाइज अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यार मतलब ड्यूअल स्क्रीन ओलेड डिस्प्लेज की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत दोस्तों अच्छी क्वालिटी का ओलेड है यहाँ पे। आपको जो मिल जाती है फ्लेक्सिबिलिटी की, आप यार एक तरफ यूट्यूब खोल के रखो, आप एक तरफ ट्विटर खोल के रखो, आप एक तरफ व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, एक तरफ आपका मैप चल रहा है, मतलब जो ये ड्यूअल स्क्रीन है, और क्योंकि दोस्तों ये आता है ऐसे कर्व के साथ में, तो मतलब आप ऐसे में गेम वगैरह अगर खेलते हैं ना, तो यहाँ पर दोस्तों उसके लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है कि आप मतलब जो है वो अपने फेवरेट ऐसे कंट्रोल्स कॉन्फिगर करने के बाद में गेम्स वगैरह खेल सकते हैं ड्यूअल स्क्रीन पे। हाँ, अगर आप बात करें ऐसे कंटेंट को एंजॉय करने की, तो वो दोनों स्क्रीन पे एक साथ करना मतलब काइंड ऑफ मतलब इम्पॉसिबल सा ही है, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों इतना मोटा गैप आता है ना बीच में, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे फोल्ड वगैरह होता है उसके अंदर मतलब आप एक साथ जैसे बड़े कैनवस पे यूज कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे बीच में गैप बहुत बड़ा है। लेकिन दो सेपरेट ऐप्स एक साथ चला दोस्तों बहुत सारे, बिकॉज यहाँ पे भी आपके पास में कंप्लीटली ऐप ड्रॉअर अवेलेबल है और यहाँ पे भी आपके पास में ऐप ड्रॉअर अवेलेबल है, तो मतलब आप जो चाहें वो ऐप्स इधर या इधर जैसा मर्जी हो आप दोस्तों यूज कर सकते हैं। और मर्जी है तो भैया केस के बिना यूज कर लो, केस के साथ यूज करना किसने कहा है कि मतलब करना ही करना है, क्योंकि केस तो आपको बॉक्स में फ्री मिल रहा है। तो यार यहाँ पे दोस्तों ये है कुछ बातें LG G8X ThinQ की। कैमरा में भी एक कमी आपको शायद खल सकती है, अगर आप फैन हैं 2-2 मेगापिक्सल वाले वो डेप्थ और मैक्रो कैमरास के, तो यहाँ पर दोस्तों वो नहीं मिलता है। हमारे पास में है 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। कैमरा परफॉर्मेंस इस प्राइस को भी अगर हम दिमाग में रखें तो दोस्तों डेफिनेटली बहुत सही है, और ऐसे में ऐप में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन मिल जाते हैं, तरह तरह के अलग अलग सेटिंग्स वगैरह हैं, सेल्फीज भी अच्छी हैं 32 मेगापिक्सल की। लेकिन बस दिमाग में एक बात आती है बार बार कि यार क्या इसमें एंड्रॉयड 11 मिलेगा या नहीं मिलेगा। अदरवाइज तो दोस्तों यहाँ पे मतलब हेडफोन जैक भी है और स्टीरियो स्पीकर्स और मतलब चीज़ें बहुत सही बनाई हैं। अदरवाइज थोड़ा सा फोन बड़ा हो सकता है अगर आप बात करें कवर के साथ, मतलब अगर आप ऐसे बात बात करें, और बात तो इनफैक्ट आप इसको बंद करके क्लियरली ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक पॉइंट है। अदरवाइज 22,000 रुपये दोस्तों जो दोबारा सेल पर आएगा, तो मेरे ख्याल से तो यार एक बहुत ही क्रेजी किलर डील होगी। LG ने भैया 1.5 लाख पीस बेचती है, मतलब सोचो आप। और बस एक और चीज से बचो कि भैया बहुत लोगों ने क्या किया ना, फ्लिपकार्ट से तो फोन खरीद लिए 19,990 रुपये में, अब उसके बाद में वो OLX पे ऐड डाल रखा है उन लोगों ने 24,000 का, 25,000 का, 23,000 का, और ऐसे में OLX पे दोस्तों बहुत सारे ऐड जो है वो फेक भी हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि बहुत बार बहुत लोगों के साथ स्कैम वगैरह भी हो जाता है, तो वहां पे एक्स्ट्रा पे करने से बचो। फ्लिपकार्ट पे देखो अगर आपको ये फोन मिल पाता है 22,000 में, और अगर आप ओके हो जो जो मैंने आपको बातें बताई उनके साथ में, तो आई थिंक कि ये बहुत ही एक क्रेजी डील होगी। मतलब किसने सोचा था यार कि ऐसा फोन, एक फ्लैगशिप फोन हम ले पाएंगे सिर्फ 19,990 रुपए की प्राइस में। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।